तो so, हेलो कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ जीरो अपडेट और ये दिसंबर का जो अभी सिक्योरिटी पैच अपडेट आया था उसके बाद दोनों के अपडेट के बाद आपको फाइनल रिव्यू करके बताने वाला जो एक्चुअल रिव्यू है बिल्कुल वही बात बताऊंगा इस अपडेट में मुझे क्या चीज दिक्कत लगी क्या सही लगा और परफॉर्मेंस कैसी है और एक्चुअल में कैसा डिवाइस चल रहा है सब चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेलाइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले तो चल तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस टेक में दोस्तों जैसा कि बताया मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रिव्यू करके बोल सकते हैं फिफ्टी टू एस के नए अपडेट्स का जो रिव्यू है उसके बारे में बताने वाला हूँ एक्चुअल रिव्यू आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ सेटिंग पे सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में या फिर बोल सकते हैं लास्ट अपडेट में आपको ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने लास्ट अपडेट ये 19 को किया हुआ है और आज 20 है मैंने 19 को किया हुआ है लगभग तीन बजे अपडेट को किया था जिसमें सिक्योरिटी बैच अपडेट आया था और इससे पहले मनुमा सिक्स पॉइंट जीरो का अपडेट यहां पर कर लिया था तो आप बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में दोस्तों मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ी सी लैगिंग हो जैसे थोड़ा सा स्लो चल रहा हो आप देखेंगे कभी कभार तो तुरंत खुल जाता है और कभी कभार कोई चीज खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अगर मैं इकट्ठी चार पांच चीजें खोल लूं तो आप उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ तो है कि थोड़ा सा लैगिंग का इशू है या थोड़ा सा कुछ ऐसा इशू मुझे ऐसा लगा और एक चीज और लगी है मुझे इसके अंदर मेन चीज और जो वो है वॉइस की या फिर बोल सकते हैं माइक की क्वालिटी अगर मैं कॉलिंग की बात करता हूँ तो आदमी को अगर थोड़ा स्लो ना पहले तो चलता था बट कॉलिंग जब से अपडेट आया है उसके बाद से मुझे लगा है कि जब भी मैं स्लो बोल रहा हूँ सामने वाले को सुनता नहीं है बाकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिवाइस ज़्यादा ओपन भी नहीं करी है और उसके बाद भी आप देखेंगे आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर मान लो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ को नीचे कर लिया उसको ओपन होने में और मेन पता चलता है कैमरे से अगर मान लो अपन कैमरे को खोलें और कैमरे में अगर फोटो को करें कैप्चर तो फो, फोटो कैप्चर होने के बाद लोडिंग होने में कितनी देर से आती है आप देख सकते हैं फोटो कब कैप्चर हुई है और इतनी देर बाद वो वहाँ पर शो होती है इससे भी पता चलता है परफॉर्मेंस <coughs> जैसे कि वालों टाइमिंग लगा के फोटो खींचिए तो आप देखेंगे फोटो क्लिक हो गई है और वो कितनी देर बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है और उसके बाद करें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा स्पीड्स का यहाँ पर भी आपको अंतर दिख रहा है और मैं अपने यहाँ पर डिवाइस को अब बताऊँ मैं आपको काय कौन से उस पर चला रहा हूँ अगर आप देखेंगे मैं अपने डिवाइस को चला रहा हूँ हाई पे मतलब कि वन ट्वेंटी हर्ट्स गीगर वन ट्वेंटी हर्ट्स हर्ट्स पर चला रहा हूँ जिसपे जिस पर, जिस पर हैंगिंग होने के चांसेस ही नहीं होते मतलब बहुत ही अच्छा चलता है बट यह है कि थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा रहता है बैटरी ज़्यादा खाता है और अगर इसमें कर दूंगा तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और बैटरी में ज़्यादा फ़र्क आएगा तो और मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है मैं इसके अंदर उसको चला रहा हूँ उसके बाद भी अगर मान लो मैं और चीज़ें भी खोल लेता हूँ मैंने यहाँ पर कैमरा भी खोल लिया कैमरा को भी खोल लिया यहाँ पर ये यह दूसरा कैमरा भी खोल लिया फ़ोटोज़ भी खोल लिए यहाँ पर मैंने जी भी खोल लिया ज़्यादा हैवी तो मैं ज़्यादा कुछ चलाता नहीं हूँ यहाँ पर फिर भी जो दो जो जो मैं चलाता हूँ सब चीज़ों को यहाँ पर खोल लेता हूँ ठीक है सब चीजों को लगभग मैंने यहाँ पर और भी जो जो तीन चार चीजें चलाता हूँ सबको मैं यहां पर खोल लेता हूँ तो आप देखेंगे मैंने यहां पर बहुत सारी चीजें खोल ली है और उसके बाद आप देखेंगे परफॉर्मेंस का तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी टेल लैग लगी थोड़ी सी दिक्कत लगी और ओवरऑल बात करें इसमें फीचर्स की तो वन यू सिक्स पॉइंट जीरो आने के बाद बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एड ऑन किए गए हैं जैसे कि बिग टॉक्स कॉल में आपको डायरेक्ट कॉल के अंदर आप स्विच कर सकते हैं पहले क्या होता था पहले आप स्विच नहीं कर सकते थे कॉल तो अब आपको वहाँ पर स्विच करने का इजी ऑप्शन दे दिया गया है उसके बाद बात करें दोस्तों मेन जो मुझे इस अपडेट के बाद लगा दिसंबर वाले अपडेट आने के बाद बैटरी का बहुत इशू अभी आप देख सकते हैं मैंने लास्ट लगभग साढ़े पांच या सवा पांच बजे मैंने अपने मोबाइल को 85 परसेंट किया था और अभी 54 परसेंट पे आ गया आप देख सकते हैं तीन घंटे भी नहीं हुए ढाई घंटे के अंदर 54 में आ गया जिसमें मैंने ज्यादा हैवी यूज भी नहीं करा नॉर्मल यूज किया है मैं आपको यहाँ पर बैटरी के परसेंट पे भी ले जाता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे बैटरी का यूज लगा यहाँ पर तो आप खुद देख सकते हैं मैंने 85 परसेंट कब किया अगर मैं यहां पर ट्रैक करके देखूँ देखेंगे लगभग बारह बजे ये था तो मैंने साढ़े पाँच सवा पाँच बजे समथिंग इसको यूज़ किया है और आप देखेंगे यहां पर आप ये जो बीच का टाइम है ना यहां पर मैंने उसको चार्ज किया है अब चार्ज करने के बाद आप देखेंगे कितनी जल्दी वो बैटरी खा गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका दो घंटे में आप देखेंगे मेरा कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्क्रीन ऑन टाइम दो घंटे यूज करा है बैटरी यूज़ होने के बाद जिसमें से मैंने लगभग लग लग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा फिर भी यहाँ पर बैटरी की आप परसेंट देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका है अभी आपके सामने फिफ्टी था फिफ्टी हो चुका है मतलब कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है बैटरी की प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि बैटरी का इशू है आफ्टर अपडेट बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है और अगर मैं यहाँ पर आपको ले जाऊँ सैमसंग मेम्बर ऐप में अगर वहां से अगर हम डायग्नोसिस करें लिस्ट पे आया फोन को लिस्ट किया और अब देखेंगे आप अगर मैं यहां पर कर रहा हूँ उसको बैटरी को कानी बैटरी बैटरी स्टेटस को तो आपके सामने दिखा रहा है बैटरी की लाइफ ही बीक बता रहा है या आपके साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा बट मेरे साथ तो बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है क्या इश्यू कन्फर्म नहीं है बट मुझे इस अपडेट के बाद ही ये सबसे ज्यादा इशू लगा ओवरऑल फिर भी ठीक है चलो परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है पर बैटरी तो बहुत बैटरी तो बहुत बड़ा इशू है तो यही एक्चुअल रिव्यू था उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू सो मच दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे लाइक कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं और सबसे जरूरी चीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप भी फॉलो कर लेना दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आने वाले वीडियो में एक नया एक अपना एक अलग से एक चीज लेके आने वाला हूँ अब मैं लोगों के कमेंट्स में जो रहते हैं ना उसके दूंगा तो मैं एक सबके तो करने वाला हूं अभी रिसेंटली तो मैं कल ही करूंगा फिर बाद में मैं हर संडे ऐसे ही करूंगा सबके सब कमेंट को पिक सॉरी मंडे टू सैटरडे लोगों के कमेंट्स आएंगे उसको पिक करके मैं संडे उनका आंसर दूंगा कुछ कुछ क्वेश्चन का तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू सो मच